हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम ये एक लेटेस्ट है फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है, 28 मार्च 2021 को ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम फार्मासिस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें 52 क्वेश्चंस है जो फार्मा सेक्शन के हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस थे, उसमें से 52 फार्मेसी के क्वेश्चन हैं। तो इसमें एक ये जो पेपर है वीएमसी का है, वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पेपर है ये। और इसमें देखिए एक खास बात क्या है, इसमें जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से ही लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चंस इसमें नया नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन तो हैं जो ESIC का है, 2016 का पेपर है, वहाँ से लिए हैं। और अप्रॉक्सीमेट 18 क्वेश्चंस जो हैं वो ESIC का जो लेटेस्ट पेपर था 2019 का, वहाँ से लिए गए हैं। और कुछ 4 से 5 क्वेश्चन है DSSB का जो पेपर है ना 2015 का, उसमें से लिए गए हैं। तो ये तीनों ही पेपर मैंने अपने चैनल पे सोल्व भी करा रखे हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक, आप अगर चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, इसमें 52 क्वेश्चंस हैं। आप अपना स्कोर बताना कि आपके 52 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। आपका भी जो भी फार्मा का एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, तो आप इससे अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है यीस्ट कम अंडर ए ग्रुप ऑफ, तो ये है ESIC का 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ईस्ट कम अंडर ए ग्रुप ऑफ, तो इसके ऑप्शन देख लिए, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या वायरस, तो ये फंजाई हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, ठीक है, और फिर अपना स्कोर 52 में से कितना स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डैप्सोन इज़ यूज फॉर थेरेपी ऑफ, ऑप्शन देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, अमीबिसाइड, लेप्रोसी या हेलमिंथियासिस, तो ये लेप्रोसी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन क्या है, ए नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू ए डायल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग ETC इज नॉन एज, तो ऑप्शन देखिए, प्रिजर्वेटिव, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एडिटिव्स या बाइंडिंग एजेंट, तो ये हो जाएगा एडिटिव्स हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने मतलब मेरे चैनल को फॉलो किया है, इस चैनल से प्रिपरेशंस की हैं, तो उनके इसमें 52 में से मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन गलत होगा, उनके 52 में से 52 ही सारे के सारे सही होंगे, ठीक है, तो ये एडिटिव्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंडिकेट द सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट विच इज़ कम्बाइंड विद लोकल नस्थैटिक टू प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, एपिनेफ्रिन है, जाइलोमेटाजोलिन, आइसोप्रोटीरिनोल, डोब्यूटामिन, आंसर हो जाएगा एपिनेफ्रिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज कैप्ड इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम, ऑप्शन देखिए, परकुलेशन, डिकॉक्शन, मैसीरेशन या रिवर्स परकुलेशन, तो आंसर इज ऑप्शन सी मैसीरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉल्ट यूज्ड इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्टिस, तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, ऑप्शन देखिए, बेरियम सल्फेट, बिस्मथ सबनाइट्रेट, थोरियम डाइऑक्साइड या टिटेनियम डाइऑक्साइड, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरियम सल्फेट जो है ये एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इसमें यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इटोपोसाइड इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, ऑप्शन देखिए, प्लांट टर्पिन, प्लांट टैनिन, प्लांट एल्कलॉइड या प्लांट ग्लाइकोसाइड, तो ये प्लांट ग्लाइकोसाइड है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स को, तो ऑप्शन देखिए, ब्रोंकोडाइलेशन, मिड्रियासिस, ब्रैडिकार्डिया या कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक मतलब कोलिनर्जिक, आपसे कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ब्रोंकोडाइलेशन कराती है, नहीं कराती, मिड्रियासिस भी नहीं कराती, ये ब्रैडिकार्डिया कराती हैं। देखिए कोलिनर्जिक्स तो सारे सारे सिक्रेशंस को बढ़ाती हैं, जैसे यूरिनेशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, सैलिवेशन हो जाएगा, सिक्रेशंस ये सब होता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, डायरिया होता है, ओके, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रैडिकार्डिया कराती है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8-9 देखिए, फार्माकोडायनामिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो DSSB का जो है ना DSSB का उसमें से है ये क्वेश्चन,
तो ऑप्शन देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, या एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। तो जो फार्माकोडायनेमिक में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये DSSB का जो पेपर है, मैंने बहुत ही अच्छे से वो 1 घंटे का आपका वीडियो बना हुआ है, मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन करके आपको कराया हुआ है। तो आप आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये पेपर आप ज़रूर देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय, ऑप्शन देखिए विडाल टेस्ट, एलिसा, मॉन्टोक्स या एल्टर्स मेथड। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो होता है कौन सा, मॉन्टोक्स टेस्ट होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय, ऑप्शन देखिए टिंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो इसके लिए हो जाएगा पास्चुराइजेशन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रोपिन अल्कलोइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ऑप्शन देखिए थैलोक्विन टेस्ट, विटाली टेस्ट, बायूरेट या मिलन्स टेस्ट। ट्रोपिन अल्कलोइड्स जो होते हैं इनके लिए होते हैं विटाली मोरिन रिएक्शन होते हैं, विटाली टेस्ट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिकेट मसल्स विच आर मोर रजिस्टेंट टू ब्लो कैन रिकवर मोर रैपिडली, ऑप्शन है हैंड, लेग, नेक या डायफ्राम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, द एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, ऑप्शन देखिए पायरिडीन, एजोल्स, पिरिमिडिन या एक्रिडिन। तो सभी को पता है जो ये एजोल्स या फ्लूकोनाजोल एजोल्स में आते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल सेक्स हॉर्मोन, ऑप्शन है स्टिलबेस्टिरोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या बेंजेस्टिरोल। तो एस्ट्रोजन आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज, ऑप्शन है कैरियोरेक्सिस, पिकनोसिस, कैरियोलिसिस या ऑटोफैगी। तो पिकनोसिस होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एंटी मलेरियल ऑप्टेंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ऑप्शन देखिए स्ट्रैकिन, ब्रूसिन, रिजर्पिन या क्विनिन। तो ये होता है क्विनिन होता है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन, तो ऑप्शन देखिए नोट्रिप्टालिन, एमिट्रिप्टालिन, डेसिप्रामिन या एलोजेंथिन। इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कौन सा, इसका होता है डेसिप्रामिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, काला आजार इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शंस देखिए जियार्डियासिस, लश्मानियासिस, हेलमिंथियासिस या सिस्टोसोमियासिस। तो ये लश्मानियासिस होता है, तो 19 का हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एग्जांपल ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज इज, ऑप्शन देखिए मेटफॉर्मिन, टोलब्यूटामाइड, रोसिग्लिटाजोन या रेपाग्लिनाइड। तो सल्फोनाइल यूरियाज के एग्जांपल में कौन सा आ जाएगा, टोलब्यूटामाइड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फिनोबार्बिटोन इज ए, ऑप्शन देखिए सिडेटिव, एंटीटसिस, एंटीसाइकोटिक या एंजियोलिटिक। तो फिनोबार्बिटोन क्या होता है, सिडेटिव होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक इज, ऑप्शन देखिए स्ट्रैकनिन, मॉर्फिन, रिजर्पिन या क्विनिन। तो मैं आपको बताती हूँ, रिजर्पिन के ऊपर भी क्वेश्चन पक्का आता है। देखिए इसमें इस तरीके से पूछ लिया, नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक इज, या फिर ऐसे पूछते हैं एंटी हाइपरटेंसिव जो रोवोल्फेज ऑब्टेन होता है वो कौन सा है, ठीक है। तो इस टाइप से रिजर्पिन का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेचुरली अकरिंग कार्बोनेटिव इज, ऑप्शन एसाफोटिडा, अशोका, अर्जुना या अगार। तो एसाफोटिडा होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन देखिए सोमेटोस्टेटिन, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन या सीरोटोनिन। तो इस सोमेटोस्टेटिन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग, ऑप्शन है पायराजोलोन, इमिडाजोल, ऑक्साजोल या पायरोल। तो इसमें इमिडाजोल रिंग होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन है ग्लूकोकोर्टिकोड्स आर इन्वॉल्व्ड इन, ऑप्शन है सोडियम मेटाबॉलिज्म, पोटाशियम मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म या फ्लूड बैलेंस। तो ये फैट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेना बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ, ऑप्शन है लेगुमिनोसी, बर्सीरेसी, रैमनेसिया, स्क्रोफुलेरिएसी। तो सेना की फैमिली लेगुमिनोसी है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन है विटामिन टेबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज, ऑप्शन देखिए हाइपोडर्मिक टेबलेट्स, सबलिंगुअल टेबलेट्स, एफर्वेसेंट टेबलेट या च्यूएबल टेबलेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, च्यूएबल टेबलेट्स हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज, इसके ऑप्शन देखिए बेसिलाई, कोकाई, स्पायरोचिट्स या विब्रियो। तो स्फेरिकल शेप को क्या बोलेंगे, कोकाई बोलेंगे ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोफिक फैक्टर इज, ऑप्शन है मिथियोनिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडिन या सीरिन। तो ये मिथियोनिन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन क्या है 33 में,
ए पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज, ऑप्शन है पेनिसिलिन, फेनिडायोन, वॉरफेरिन या हीपेरिन, तो पेरेंटल में हीपेरिन आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है हीपेटोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा या ऑक्सियोब्लास्टोमा, तो इसको नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और आप मुझे सेंड करना चाहते हैं, तो फार्मा एमसीक्यू का ईमेल आईडी है pharmaemcq599@gmail.com, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर पेपर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मेरास्मस इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन देखिए फैट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी या ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो ये होता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कॉज्ड बाय A1% चेंज इन प्राइस इज नोन एज, ऑप्शन देखिए इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 37 एलिमेंट इन हैविंग ए वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इज, ऑप्शन देखिए जिंक, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्लोरप्रोमाजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग, ऑप्शन है ब्यूटायरोफिनोन, थायोजेंथिन, फिनोथायाजिन, एक्रिडिन, तो फिनोथायाजिन रिंग होता है क्लोरप्रोमाजिन में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिंपल क्लासिफिकेशन में से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वन अमंग द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग, ऑप्शन है चिराटा, कार्डेमम, लिंसिड या माइरोबेलन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी कई बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, तो इसका कार्डेमम होगा, ऑप्शन बी होगा। तो आपको सारे के सारे ड्रग्स के कम से कम नाम तो याद होने चाहिए, ग्लाइकोसाइड्स में कौन सी है, एल्कलॉइड्स में कौन सी है, टर्पिनोइड्स की कौन सी है, या फिर फिक्स्ड ऑयल की कौन सी है, रेजिन्स की कौन सी है, तो सबके नाम भी हमें पता होने चाहिए, कई बार सिंपल बेसिक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कोल्ड, ऑप्शन है प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल या लेटेंट इन्फेक्शन, तो ये नोजोकोमियल होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ऑप्शन देखिए रिजर्पिन, पापावरिन, क्विनिन या मॉर्फिन, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक में मॉर्फिन आता है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 42 है, रैनिटिडिन इज, ऑप्शन है H2 एंटागनिस्ट, H1 एंटागनिस्ट, बीटा एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट या अल्फा एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट, तो रैनिटिडिन है H2 एंटागनिस्ट है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन, ऑप्शन देखिए कैलिडिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन या रैनिन, तो प्लाज्मा काइनिन में कौन सा आता है, कैलिडिन आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पावर हाउस ऑफ सेल इज, ऑप्शन देखिए गोल्जी बॉडी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस, तो आपको पता है माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड, ऑप्शन देखिए एरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, एंजिना पेक्टोरिस या इस्चीमिया, तो ये मायोकार्डियल नहीं, ये कार्डियोवास्कुलर डिसोसिएटेड, ये हार्ट रेट और रिदम, तो एरिथमिया हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसका 45 का हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज, ऑप्शन देखिए tmRNA, snRNA, scRNA, hnRNA, तो ऑप्शन डी होता है hnRNA। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेकोलामिन्स, ऑप्शन देखिए थायरोक्सिन, मेलानिन, टायरामिन या डोपामिन, तो जो कैटिकोलामिन्स में कौन कौन से आते हैं आपको नाम पता होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे नाम बता देना कौन कौन से हैं, तो इसमें आंसर तो आपका डोपामिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंपोनेंट ऑफ टेबलेट मशीन विच कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ टेबलेट इज, ऑप्शन देखिए होपर, पंचेस, कैमट्रैक या डाइज, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, डाइज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा, ऑप्शन देखिए एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, लोबेलिन या होमोट्रोपिन, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड दो ड्रग होती है जो अस्थमा में यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी डैंड्रफ ड्रग, ऑप्शन देखिए जिंक सल्फेट, सिलीनियम सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट या सोडियम फ्लोराइड, तो एंटी डैंड्रफ में सिलीनियम सल्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन क्या है, एमिटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, ठीक है,
इसमें ऑप्शन देखिए, आईपी कैक है, इसब गोल है, पारित्रम या रुबार्ब। तो अब इसका एक क्वेश्चन है, एमिटिन किस में होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना मुझे, ओके, क्या आंसर होगा इसका। और अभी एक लास्ट क्वेश्चन है 52, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सब अरेकनोइड स्पेस, तो इसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, एपिडोर एनेस्थीसिया, सर्फेस एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन या स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो ये स्पाइनल होता है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो एक एमिटिन वाला है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो इसमें 52 क्वेश्चंस हो गए जो फार्मा सेक्शन के थे। आप लोग अपना स्कोर बताना, आपके 52 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, ठीक है। तो आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं और लेटेस्ट फार्मेसी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, और इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन है और MCQs हैं, ये सारे हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।